सो है गाइस, आज हम कंपेयर करेंगे पेबल की स्मार्ट वॉचेस को, जो कि है पेबल कॉस्मोस और पेबल पेस, और जानेंगे इस वीडियो में इनके फीचर्स, रेटिंग और प्राइस के बारे में। तो वीडियो को फुल देखिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पेबल कॉस्मोस लॉन्च हुई थी 25 जुलाई 2021 को और पेबल पेस लॉन्च हुई थी 28 सितंबर 2020 को। बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ की। तो पेबल कॉस्मोस में अगर आप इसको ज़्यादा कॉलिंग में यूज़ करेंगे तो इसकी बैटरी लाइफ 3 डेज तक चल पाएगी, और अगर आप इसको विदाउट कॉलिंग के साथ यूज़ करेंगे तो इसकी बैटरी लाइफ 7 डेज तक चल पाएगी, और अगर आप इसका नॉर्मल यूज़ करते हैं तो इसकी बैटरी लाइफ 15 डेज तक चल सकती है। और पेबल पेस में उसकी वॉच की बैटरी लाइफ आपको 7 डेज की देखने को मिल जाएगी, और दोनों वॉचेज में फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है यहाँ पर दोस्तों। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो दोनों वॉचेस में आपको iOS और Android की कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो पेबल कॉस्मोस में आपको ब्लूटूथ 5.0 और BLE वर्जन देखने को मिल जाएगा, और पेबल पेस में आपको V5.0 वर्जन देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन साइज तो पेबल कॉस्मोस में आपको 1.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, और पेबल पेस में आपको 1.4 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी तो दोनों वॉचेस में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस तो ये फीचर दोनों वॉचेस में अवेलेबल है। सेंसर तो दोनों वॉचेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर देखने को मिल जाएंगे। फिटनेस ट्रैकिंग तो ये भी दोनों वॉचेस में अवेलेबल है। नोटिफिकेशन अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल ये आपको दोनों वॉचेस में देखने को मिल जाएगा। वॉच स्ट्रैप कंपैटिबिलिटी तो ये भी दोनों वॉचेस में अवेलेबल है। माइक्रोफोन तो सिर्फ आपको पेबल कॉस्मोस में देखने को मिल पाएगा, लेकिन पेबल पेस में माइक्रोफोन अवेलेबल नहीं है। डांसर ऑफ फोन और मैसेज तो सिर्फ आपको पेबल कॉस्मोस में देखने को मिल पाएगा, लेकिन पेबल पेस में डांसर ऑफ फोन और मैसेज अवेलेबल नहीं है। वॉइस असिस्टेंट तो सिर्फ पेबल कॉस्मोस में अवेलेबल है, लेकिन पेबल पेस में वॉइस असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है। कलर आपको पेबल कॉस्मोस में 3 कलर देखने को मिल जाएंगे, और पेबल पेस में आपको 5 कलर देखने को मिल जाएंगे। स्वेट एंड वाटर प्रूफ तो पेबल कॉस्मोस में आपको IP67 वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, और पेबल पेस में आपको IPX68 वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। सेंसर टाइप की बात करें तो दोनों ही वॉचेस में आपको हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाएगा। एक्सेलेरोमीटर सेंसर दोनों वॉचेस में अवेलेबल है। SPO2 सेंसर आपको दोनों वॉचेस में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनके हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के बारे में। तो दोनों ही वॉचेस में आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। SPO2 मॉनिटर दोनों वॉचेस में अवेलेबल है। स्ट्रेस मॉनिटर आपको यहाँ पर दोनों वॉचेस में नहीं मिल पाएगा। स्टेप ट्रैकर दोनों वॉचेस में अवेलेबल है। कैलोरीज बर्न, डिस्टेंस ट्रेवल, एक्टिविटी स्टोरी आपको दोनों वॉचेस में देखने को मिल जाएगा। स्लीप मॉनिटर, ब्रेथ मॉनिटर, स्पोर्ट्स मोड ये तीनों फीचर आपको दोनों वॉचेस में देखने को मिल जाएंगे। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग एंड रिमाइंडर तो सिर्फ आपको पेबल कॉस्मोस में देखने को मिल पाएगा, लेकिन पेबल पेस में फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग एंड रिमाइंडर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं इनके वेट और वारंटी की। तो पेबल कॉस्मोस का वेट है 46 ग्राम और पेबल पेस का वेट है 50 ग्राम। वारंटी आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाएगी। दोनों ही वॉचेस की 1 ईयर की वारंटी है। अब बात करते हैं इनकी प्राइस और रेटिंग की। तो पेबल कॉस्मोस को हमने रेटिंग दी है 4 स्टार की, और इसकी प्राइस आपको अंडर 4,000 रुपीज पड़ जाएगी। और पेबल पेस को हमने रेटिंग दी है 4 स्टार की, और इसकी प्राइस आपको अंडर 3,000 रुपीज पड़ जाएगी। दोनों वॉचेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप गैजेट से रिलेटेड उनके रिव्यू और कंपैरिजन के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमने हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं और गैजेट से रिलेटेड उनके रिव्यू और कंपैरिजन के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।